हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल उमेश गुरु ट्यूटोरियल में। आज के इस वीडियो के जरिए मैं आपको फेसबुक पेज का वॉच टाइम को कैसे कंप्लीट आसानी तरीके से आप कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखते रहे, अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, बहुत ही आसान तरीके से आप अपने फेसबुक पेज का वॉच टाइम को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि फेसबुक ने अब बहुत ही जो है लॉक कर दिया है अपने क्राइटेरिया को। पहले क्या था कि आपको 10,000 फॉलोवर्स को कंप्लीट करने होते थे और 6,00,000 मिनट को कंप्लीट करने होते थे, लेकिन अब फेसबुक ने बस 5,000 फॉलोवर्स कर दिए हैं और 60,000 मिनट कर दिए हैं। तो इस वीडियो के जरिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे बहुत ही आसानी तरीके से आप अपने फेसबुक पेज का वॉच टाइम को कंप्लीट करेंगे, साथ ही साथ आपके कुछ फॉलोवर्स भी कंप्लीट होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को भी लाइक करें, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, क्योंकि मैं आप लोगों के प्रॉब्लम के रिलेटेड ही वीडियोज़ को क्रिएट करता हूँ। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि कैसे आप अपने फेसबुक पेज के वॉच टाइम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ लिस्ट बना के रखे हैं, उस लिस्ट को पहले मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद हम वीडियो में आगे क्या क्या करना है। देखें फ्रेंड्स कि ये वीडियो बहुत लंबी हो सकती है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेके एकदम लास्ट तक देखें। यहाँ पे देखें कि कुछ लिस्ट मैंने बना रखे हैं। पहले नंबर पर मैंने जो यहाँ पर लिखा है रियालिटी शो को लिखा है। तो देखें, रियालिटी शो में कई तरह के रियालिटी शो होते हैं, जैसे KBC हो गया, डांस इंडिया डांस हो गया, कपिल शर्मा हो गया, और बहुत सारे आपको रियलिटी शो देखने को मिलेंगे। अगर आप किसी एक रियलिटी शो को अगर चूज करते हैं तो वो आपका निश हो जाता है, और उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे जो मैंने 130 आईडी और 100 ग्रुप्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं, तो जिस रियलिटी शो को आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे ग्रुप्स भी 100 ग्रुप्स आपको फाइंड करने हैं, ऑटो अप्रूवल ग्रुप्स, और यहाँ पे 30 आईडी की आपको ज़रूरत होगी शेयरिंग करने के लिए, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ट्रेंड लिखा है। ट्रेंड में देखें कि ट्रेंडिंग न्यूज पे आप वर्क करना चाहे तो ट्रेंडिंग न्यूज पे वर्क कर सकते हैं, जो न्यूज ज्यादातर वायरल होते हैं उस न्यूज पे आप वर्क कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं अभी पाकिस्तान से एक लेडी आई थी, सीमा नाम थी उसकी, तो उसी से रिलेटेड जो वो न्यूज इतना वायरल हुआ था कि अगर उससे उसका वीडियो आप अभी भी यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर उसका इंटरव्यू वगैरह का अगर आप वीडियो लेके यूज करते हैं तो आपका वीडियो अभी भी वायरल हो सकता है। तो यहाँ पे जो आप ट्रेंडिंग न्यूज़ को अगर सेलेक्ट करते हैं तो आपको ट्रेंडिंग न्यूज़ से ही रिलेटेड आपको 100 ग्रुप्स आपको फाइंड करने होंगे। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखें कि ट्रेंड न्यूज़ से भी आप अपना वॉच टाइम को कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे कपिल शर्मा को लिख रखा है, तो देखें फ्रेंड्स कि इस वीडियो में मैं इसी के वीडियो को यूज करते हुए आपको मैं समझाऊंगा और इसी के वीडियो को लेके मैं इस वीडियो में ट्यूटोरियल बनाऊंगा, तो ये हम इसीलिए रखा है। और यहाँ पे तो आपने समझ गया कि 100 आपको ग्रुप्स फाइंड करने होंगे ऑटो अप्रूवल ग्रुप्स, 30 आईडी की आपकी जरूरत होती है, और यहाँ पे 100 ग्रुप्स मैंने ऑलरेडी बता दिया, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और ऑटो अप्रूवल ग्रुप यहाँ पे मैंने 50 लिखा है। तो 50 का मतलब ये है कि देखें कि 50 मैंने इसलिए लिखा कि देखें कि 50 शेयर जो आप देंगे 50 ग्रुप में 15 आईडी से, आपको सुबह में एक वीडियो को अपलोड करना है 8 बजे के लगभग, आप 8 बजे 7 बजे आप अपलोड करेंगे एक वीडियो को, और एक वीडियो को आप शाम के 6 बजे के बाद आप लाइव करेंगे, जो कि इस वीडियो में मैं आपको लाइव में ही दिखाऊँगा, अपलोड नहीं करना है आपको। और यहाँ पर मैंने जो 40% लिखा है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखें कि 40% मैंने इसीलिए लिखा कि देखें मैं यहाँ पे वीडियो का लेंथ जो बताऊंगा आपको, वीडियो का लेंथ आपको 4 मिनट का रखना है, यहाँ पे मैं 4 मिनट भी यहाँ पे लिख देता हूँ, 4 मिनट आप वीडियो का लेंथ जो रखेंगे 4 मिनट का ही रखना है। 4 मिनट का इसीलिए मैंने कहा कि 4 मिनट में देखें कि अगर आपके वीडियो को 50% वॉच कर लेता है कोई, 40% अगर वॉच कर लेता है, कम से कम 40% अगर 4 मिनट में से मान लीजिए कि 1.5 मिनट तक या फिर 2 मिनट अगर आपका वीडियो को कोई भी बंदा देख लेता है तो फेसबुक जो है उसको रिकमेंडेशन में डालना शुरू कर देता है, और ऑलरेडी आपने यहाँ पे 100 ग्रुप्स तो शेयरिंग के लिए रखेंगे ही, तो
तो देखिए कि 40% और ये वर्किंग मेथड है फ्रेंड्स। इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखते ही रहना है, इस मेथड से आप अपना वॉच टाइम को कंप्लीट कर सकेंगे। देखिए कि 40% जब आपका वीडियो देखा जाता है तो आपका वीडियो वायरल होने लगता है। अगर वायरल हो जाता है आपको 10 दिन तक ऐसे वर्क करना है, सुबह शाम वाली जो मैंने आपको बताया। वीडियो जो आपको लाइव चलाना है मात्र 4 मिनट का लाइव चलाना है, 4 मिनट से ज़्यादा का लाइव नहीं चलाना है। आप 3 से 4 मिनट के बीच में ही रखेंगे अपने वीडियो को, उससे ज़्यादा बड़ी वीडियो आपका नहीं होना चाहिए, तो इस बात को आप ध्यान रखें। और यहाँ पे मैं कुछ लाइव वीडियो का भी एग्जांपल दूंगा कि देखें लाइव अगर आप YT पे ढूंढेंगे भाभी टाइप वाली वीडियो को, देखें मैं उसे भी यहाँ पे लिख देता हूँ, या फिर इस टाइप के वीडियो को अगर आप YT पे सर्च करेंगे जो लाइव आती है, और लाइव में जो है उस अपने वीडियो के नीचे जो उसको कमेंट आते हैं उसे पढ़ती रहती है, तो इस टाइप के वीडियो को भी अगर आप लेते हैं तो इस टाइप का वीडियो भी बहुत ज़्यादा आपका वायरल होने वाला है। सबसे ज़्यादा वायरल होता है ट्रेंडिंग न्यूज़। ट्रेंडिंग न्यूज़ में जो एक बार देखना शुरू करते हैं वो लोग उसे देखते ही रहते हैं। तो देखिए इतना आपको समझना है, समझाने के लिए पहले इतना आपको ज़रूरी था बताना, तो इस बात को आप ध्यान में रखें। और देखें मैं यहाँ पे इस पर जो आपको वर्किंग करके दिखाऊंगा, तो देखें कि इस पर आपको कॉपीराइट का मसला भी आ सकता है। अगर आप इसे चेंज करना चाहें तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप कोई दूसरा रियलिटी शो लेना चाहते हैं, या फिर मैंने यहाँ पे नीचे में जो बताया इस टाइप के अगर वीडियो को आप वर्किंग करना चाहते हैं तो इस पर आपको कॉपीराइट नहीं आएगा, और आपको ट्रेंडिंग न्यूज़ पर भी कॉपीराइट देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए इस पर हम आज जो है दिखाएंगे। तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या चीज़ की ज़रूरत होती है कि देखें कि आपको एक OBS स्टूडियो की ज़रूरत होगी। यहाँ पे देख ले कि आपको एक OBS स्टूडियो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है या फिर स्ट्रीम लैब की ज़रूरत होती है। तो मैं यहाँ पे OBS स्टूडियो में आपको दिखाऊंगा करके, तो आपको वीडियो शुरू से लेकर एकदम लास्ट तक देखते रहना है, और ये जो वर्किंग मेथड है इसी वर्किंग मेथड पे आपको वर्क करना है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको कपिल शर्मा ही लेना है, जो ऐसा कंटेंट हो जो ज़्यादातर आपको लगता है कि उस पर कॉपीराइट नहीं आएगा, आप वही कंटेंट लें, लेकिन देखें कि वो वायरल होने जैसा होना चाहिए, ऐसा कंटेंट होना चाहिए कि लोग एक बार देखना शुरू करें तो कुछ मिनट आप उस कंटेंट को ज़रूर देखें। इस टाइप के कंटेंट को आपको सेलेक्ट करना है, और उसी टाइप के कंटेंट से रिलेटेड आपको ग्रुप्स भी फाइंड करने हैं। तो चलिए यहाँ पर हम OBS स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं। तो देखें फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने OBS स्टूडियो को ओपन कर लिया है। अब क्या करना कि आप अपने निश के हिसाब से यहाँ पर देखें, जो मैंने आपको बताया कि रियलिटी शो से अगर आप जो भी निश से करना चाहते हैं उसी निश से रिलेटेड आप 100 ग्रुप को निकालेंगे और उसी के कंटेंट को आप उठाएंगे, चाहे आप YT से उठाएं या फिर जहां से भी उठाएं, आप वेबसाइट से उठाएं, आपका आपको उस कंटेंट को उठा लेना है। उसके बाद अपने इस OBS स्टूडियो को आपको ओपन कर लेना है। यहां पे देखें कि मीडिया सोर्स यहां पे आपको दिख जाएगा। यहां पे मीडिया सोर्स को मैंने यहां पे म्यूजिक ऑलरेडी लगा रखे हैं, मैं सबको पहले यहां से रिमूव कर देता हूं। देखें कि यहां पे आप प्लस बटन से आप मीडिया सोर्स को जोड़ सकते हैं। इस प्लस बटन क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें कि मीडिया सोर्स आपको दिख जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको उस वीडियो को सिलेक्ट करना है, अपने निश के हिसाब से मीडिया सोर्स में जाएंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे, ब्राउज बटन को क्लिक करेंगे, जहाँ पे भी आपका जो अपने जो वीडियो को उठा रखा है उस वीडियो को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मेरे केस में मैं लेटेस्ट जो यहाँ पर प्रमोशन के लिए आया है, मैंने पहले आपको बता दिया कि मैं इस कंटेंट से रिलेटेड आपको बताने वाला हूँ, तो यहाँ पर देखें उसी कंटेंट को मैं यहाँ पर उठाया है। अब यहाँ पे देखें ये यहाँ पे आ गया है, और यहाँ पे देखें कि इसको स्पीड बढ़ा देना है, पहले 1 से 2 कर देना है, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखें जैसे ही आपने ओके बटन पे क्लिक किया यहाँ पे ये आ गया, तो इसको थोड़ा सा जूम करेंगे और इसके जो यहाँ पे लोगो वगैरह है उस लोगो को आप हटा देना है। यहाँ पर देखिए मैंने हटा दिया, और बीच सेंटर में ट्राई करेंगे कि ये बीच सेंटर में रहे ताकि लोगों को देखने में अच्छा लगे। देखें यहाँ पर यहाँ तक ये फिट हो चुका है, अब मेरा एक वीडियो का काम कम्प्लीट हो गया है। अब देखिए कॉपीराइट से बचने के लिए अब आपको एक ट्रिक यहाँ पे अपनाना है। वो ट्रिक यहाँ पे आपको एक वीडियो को लगाना है, आप अपना सेल्फ वीडियो लगाएं या फिर कोई दूसरा वीडियो भी, किसी दूसरे के वीडियो को भी यहाँ पे लगा सकते हैं ताकि कोई भी कॉपीराइट का मसला ना हो। यहाँ पे देखिए प्लस बटन पर आपको क्लिक करना है, मीडिया सोर्स में जाना है, ओके बटन पर क्लिक करना है। अब देखिए फिर से ब्राउज बटन पर क्लिक करके अब उस एक वीडियो को आपको यहाँ इस वीडियो के ऊपर में लगा देना है ताकि जो है कॉपीराइट का मसला ना रहे। देखिए कि मैं एक और वीडियो को यहाँ पे लगाऊंगा, कोई भी वीडियो को आप कुल लगा सकते हैं जिसमें फेस हो और वो कुछ बोल रहा है, या दूसरे के भी वीडियो को आप लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप अपना ही वीडियो लगाएं। यहाँ पे देखिए कि इंडियन मेम्स भी लगा सकते हैं या फिर रिएक्शन टाइप के वीडियो में वो आ जाएगा, इसका वॉल्यूम हम कम कर देंगे। देखिए इसे हम मेम्स का जो लिस्ट है वो मेम्स यहाँ पर हम ओपन करेंगे, और यहाँ पर इसे हम लूप कर देते हैं। देखिए
इसे लूप नहीं करना, ये वीडियो ऑलरेडी मेरा लंबा है जो बैकग्राउंड में आप मैंने लगाया। यहाँ पे देखो ओके बटन पे क्लिक किया हमने, तो देखिए यहाँ पे इस वीडियो को लगा दिया। आप यहाँ पे वेटर ये रहेगा कि आप खुद का वीडियो लगाए, देखिए यहाँ तक मैंने लगा दिया। अब इस वीडियो को इतना छोटा करेंगे कि लोगों को ये वीडियो नज़र ही नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए इस कोने में मैंने यहाँ पे इसे लगा दिया, अब देखिए कि ये लोगों को नज़र आएगा ही नहीं, और लेकिन यहाँ पे AI जो उसका कॉपीराइट मैच टूल है वो उसे नज़र आ जाएगा। तो इस वीडियो को सिलेक्ट करके इसका वॉल्यूम आपको कम कर देना है। देखिए कि ये मीडिया सोर्स 2, यहाँ से आप जो है वॉल्यूम इसका कम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये मीडिया सोर्स में ये वाला वीडियो लगा है, और यहाँ पे ये 2 वाला में, यहाँ पे जो मैंने अभी मेम्स वाली वीडियो लगाया ये 2 वाले में लगा है। तो इसके वॉल्यूम को हम कम कर देंगे, आधा करने के 40-48 तक, मैंने यहाँ पे देखिए 50 तक कर दिया। इतना कम करना है कि लोगों को इसका जो है सुनाई ना दे। अब ये तो मैंने लगा दिया यहाँ पे, देखिए अब ये इतना छोटा वीडियो है कि ये लोगों को ये नज़र नहीं आएगा, देखिए बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो आप इस तरह से आप कॉपीराइट से यहाँ पे ऐसा करेंगे तो ज़्यादा चांसेस है कि आपको कॉपीराइट नहीं आएगा। तो देखिए अब यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ लगा दिया है। अब डायरेक्ट अब क्या करना है कि आपको फेसबुक में जो है लाइव चलाना है। लाइव चलाने के लिए यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो यहाँ से लाइव वीडियो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ से आपको एक बार क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद फिर से एक बार गो लाइव बटन यहाँ पे नीचे में क्लिक करना है, और सॉफ्टवेयर के जरिए आप लाइव कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे जो है यहाँ पे ये ओपन हो गया है लाइव डैशबोर्ड। यहाँ पे एडिट पोस्ट डिटेल में क्लिक करेंगे आप। अब यहाँ पे देखें कि अब यहाँ पे आपको ऐसा टैग लिखना है, किसी का नाम नहीं लिखना है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे हम वायरल वीडियो लिख देंगे, वायरल न्यूज लिख देंगे, देखे वायरल हम वीडियो न्यूज यहाँ पे लिख देते हैं। और यहाँ पे देखे कि इसको हम थोड़ा सही कर लेते हैं, देखे यहाँ पे मैंने वायरल वीडियो न्यूज लिखा, देखे वायरल वीडियो न्यूज लिख दिया। यहाँ पे देखे कॉपी किया और हम नीचे डिस्क्रिप्शन में भी पेस्ट करेंगे। अब देखे हैशटैग में आपको वायरल और कुछ ऐसा ही हैशटैग आपको लगा देना है, वायरल लगा देना है। देखे मैं यहाँ पे वायरल टाइप करता हूँ, वायरल, देखे यहाँ पे वायरल आ गया, वायरल पोस्ट आ गया है, तो वायरल पोस्ट यहाँ पे हम दे दिए, सेव बटन पे हमने क्लिक किया। अब देखें कि यहाँ पे पोस्ट डिटेल्स यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से इसे कॉपी करेंगे हम इस स्ट्रीम की को, यहाँ पे OBS में जाएंगे, यहाँ पे नीचे आपको सेटिंग दिख जाएगा, इस सेटिंग में आपको विजिट करना है, सेटिंग बटन पे क्लिक करना है आपको। सेटिंग बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा, एक नया विंडो ओपन होगा, तो यहाँ से आपको स्ट्रीम में क्लिक करना है। इस स्ट्रीम में क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्ट्रीम की आपको दिख जाएगा, तो इस स्ट्रीम की में उस स्ट्रीम की को यहाँ पे देखें कि पेस्ट कर देना है आपको। मैंने पेस्ट किया, अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। अब देखें कि सबसे पहले इस वीडियो को आपको प्ले करना है और दूसरा वीडियो को भी आपको प्ले करना है। देखिए मैं इस वीडियो को पहले ये देख ले आप कि आप कहाँ से कहाँ तक चलाना चाहते हैं, तो मैं उस जगह से शुरू करूँगा वीडियो को ताकि लोग इसे देखें। देखिए इसे आप फ्लिप भी कर सकते हैं ताकि कॉपीराइट के पकड़ में ना आए। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफर में जाके इसे देखें कि आप फ्लिप भी कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, फ्लिप हॉरिजॉन्टिकल, फ्लिप वर्टिकल करें, फ्लिप वर्टिकल जब आप करते हैं यहाँ पे देखें कि वर्टिकल, तो ये जो है वीडियो उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे देखें मैं आपको करके दिखाता हूँ, ट्रांसफर में जाएंगे हम, फ्लिप वर्टिकल करेंगे तो यहाँ पे देखें ये उल्टा हो गया है, उल्टा हमें नहीं करना था, हमें जो है फ्लिप करना था। तो इसे हम एक बार और करेंगे, और इसके यहाँ जस्ट नीचे ऊपर में एक बार करके देखते हैं हॉरिजॉन्टल में क्या होता है। देखिए हॉरिजॉन्टल आपको करना है, हॉरिजॉन्टल में देखिए ये उल्टा हो गया, वीडियो उल्टा हो गया। और यहाँ पे देखें कि इस वीडियो को सेलेक्ट करना है आपको, मीडिया सोर्स 1 वीडियो जो ये 2 वाला हमारा ये है, जो ये कोने में चलेगा, मेम्स वाला 1 वाला हमारा ये है। देखिए यहाँ 2 मिनट 4 सेकेंड तक ये वीडियो चला है, पहले इसको थोड़ा सा पीछे करते हैं हम ताकि ये स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ रहे। यहाँ पे देखें 2 मिनट 4 सेकेंड तक यहाँ पे है, तो हमें चलाना है मात्र 3 से 4 मिनट के बीच में ही चलाना है। तो यहाँ पे ये मेरा वीडियो यहाँ तक अगर 6 मिनट यहाँ पे कंप्लीट होता है तो ये 4 मिनट कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे देखें इस हिसाब से, या फिर आपको वहाँ पे भी दिख जाएगा यहाँ पे फेसबुक में। तो देखें इस वीडियो को पहले प्ले करना है, उसके बाद इस वीडियो को भी प्ले कर देना है। देखें दोनों वीडियो अब प्ले है। अब यहाँ पे स्टार्ट स्ट्रीमिंग बटन पर आपको क्लिक कर देना है। देखें यहाँ पे स्टार्ट स्ट्रीमिंग बटन पे मैंने ऑलरेडी क्लिक कर दिया है। देखिए अब स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे देखें ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन आपको देखने को मिलेगा। रेड अगर आता है तो इसका मतलब ये है कि आपका इंटरनेट स्पीड थोड़ा स्लो है, ग्रीन रहता है तो आपका इंटरनेट स्पीड अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग होगा। यहाँ पे गो लाइव बटन पे आप क्लिक करेंगे, और यहाँ फिर से एक बार टैग करना चाहते हैं, टैग करने की कोई जरूरत नहीं है, गेम को गो लाइव बटन पे आपको क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद इसे जो है अब 4 मिनट तक आपको चलने देना है। 4 मिनट के बाद इस लाइव स्ट्रीमिंग को आपको बंद कर देना है। बंद करने के बाद क्या करना है आपको कि यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि आपको 30 ID लेना है, 30 ID में अगर आप 3-3 ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो आप 90 ग्रुप आसानी से ज्वाइन कर लेंगे। तो आप जो है 50 ग्रुप में आपको सुबह में शेयरिंग करना है। सुबह में जब आप 7 बजे के आसपास में 8 बजे के आसपास में लाइव करेंगे तब आपको 50 ग्रुप में शेयरिंग करना है। फिर बचे हुए 50 ग्रुप को आपको शाम के टाइम में शेयरिंग करना है। ऐसा आप मैनेज करके 50 ग्रुप में जो आपने सुबह में किया शेयरिंग उसे शाम में नहीं करना है, ताकि आपका ग्रुप भी बचे रहे, आईडी भी बचे रहे। ऐसा करेंगे तो आप जो है आसानी से वीडियो को वायरल कर सकेंगे। दो दो वीडियो अगर आप लाइव करते हैं तो आसानी से आप फॉलोवर्स भी इंक्रीज होगा आपका, और वीडियो भी लाइव वीडियो ज़्यादातर चांसेस रहता है वायरल होने का, तो आसानी से आपका वॉच टाइम भी कंप्लीट होगा। देखें कि यहाँ पे ये लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट है, यहाँ पे देखें कि ये अभी यहाँ पे 49 सेकेंड तक यहाँ पे चला है। तो देखें यहाँ पे स्ट्रीमिंग हमारा जो है यहाँ पे देखें ग्रीन आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे जो नेटवर्क की वजह से यहाँ पे जो है प्रॉपर, यहाँ पे देखें कि यहाँ पे लाइव कितना देर चला है ये भी दिख रहा है। यहाँ पे देखें एक्शन नीडेड, यहाँ पे हमें बता रहा है कि आपका इंटरनेट स्पीड होना चाहिए। देखें ऐसा आप जो है यहाँ पे गो स्ट्रीम वेबसाइट से भी आप कर सकते हैं, गो स्ट्रीम से भी आप आसानी से लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, लाइव चला सकते हैं। यहाँ पे आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। देखिए पैसे अगर एक दिन में आप एक लाइव करना चाहते हैं वाटरमार्क के साथ तो आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 1 मिनट से ऊपर चल गया है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ऑटोमेटिक ये जो मैंने ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट कमेंट लगा रखे हैं अपने इस पेज में, ये ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट कमेंट खुद ब खुद हो गया है, ये खुद ब खुद शेयर भी हो गया होगा। तो इसे हम अभी फ़िलहाल बंद करते हैं इस गो स्ट्रीम को। तो देखिए गो स्ट्रीम पे कैसे लाइव करना ऑलरेडी मैंने बता दिया है, यहाँ से पूरा इंसाइट आप अपने इस वीडियो का देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि इसका क्वालिटी थोड़ा लो रहेगा क्योंकि इंटरनेट स्पीड होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक चार्ज शेयरिंग जो मैंने ऑलरेडी सेटअप करके रखा, चार्ज शेयरिंग भी हो गया है। देखिए यहाँ पे अब आपको जब तक ये कम से कम 3 मिनट प्लस नहीं चलता है तब तक इस वीडियो को यहाँ पे चलने देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि एंड लाइव वीडियो आपको दिख जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वीडियो स्टॉप हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्लिक करेंगे स्टॉप स्ट्रीमिंग, यहाँ पे देखें यहाँ पे भी अगर आप क्लिक करते हैं तो भी ये स्टॉप हो जाएगा। जब ये स्टॉप हो जाता है उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि उसके बाद आपको क्या करना है। देखिए कम से कम ये देखिए कि 3 मिनट भी हम इसे चलने देते हैं, देखिए 2.5 मिनट चल गया है। यहाँ पे देखिए थोड़ा ये स्लो वर्किंग कर रहा है, 2:33 यहाँ पे दिखा रहा है, 2:33 मिनट यहाँ पे दिखा रहा है कि, और थोड़ा ये देखिए सेकेंड यहाँ पे रुक गया है, लेकिन ये वीडियो प्ले ही है। यहाँ पे देखिए जैसे ही यहाँ पे रेड होता है यहाँ पे आपका रुक जाता है स्ट्रीमिंग, इसके लिए आपका इंटरनेट स्पीड होना चाहिए। यहाँ पे अगर ग्रीन रहता है तो प्रॉपर अच्छी तरह से आपका स्ट्रीमिंग चलेगा। ये होता है देखें कि ये होता है आपका इंटरनेट के, देखें अभी यहाँ पे जो ग्रीन हो गया है तो अच्छी तरह से यहाँ पे अब ये स्ट्रीमिंग यहाँ पे चलेगा। देखिए 3 मिनट चल चुका है, यहाँ पे मैं अब आपको इसे बंद करके एक बार दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे एंड मैंने किया, तो यहाँ पे देखें यहाँ पे एंड मैंने किया, यहाँ पे ये एंड हुआ है या नहीं, हमें यहाँ पे भी एंड करना है। यहाँ पे भी डिस्कनेक्ट मैंने कर दिया, अब इस OBS को भी हम यहाँ पे बंद कर देते हैं। यहाँ पे देखें कि ये हमें कॉपीराइटेड, यहाँ पे कॉपीराइट हमें जो है ये भेज दिया है पूरे के पूरे में। यहाँ पे देखें मैंने वीडियो भी लगाया तो भी यहाँ पे इन्होंने कॉपीराइट भेज दिया, तो इसका भी उपाय है। देखें कि मैं पेज विजिट करता हूँ न्यू टैब में, अब देखते हैं कि यहाँ पे कैसा हमें कॉपीराइट भेजा गया है, और उस पर हम जो है सबमिट डिस्प्यूट करेंगे तो ऑटोमेटिक वीडियो के ऊपर से, पहले तो ऐसा नहीं होता था कपिल शर्मा में, अब लेकिन यहाँ पे कॉपीराइट भी देने लगा है। ये पता नहीं कहाँ से ये पकड़ लेता है, पहले यहाँ पे इसमें कॉपीराइट का मसला नहीं रहता था। यहाँ पे देखे कि यहाँ पे ये कॉपीराइट यहाँ पे भेज दिया है इन्होंने, ऑटोमेटिक लिंक लगा दिया है कॉपीराइट जो। यहाँ पे देखे कि ये अभी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो देखे कि अब आप यहाँ पे कॉपीराइट भी भेज दिया इन्होंने, लेटेस्ट वीडियो था तो लेटेस्ट वीडियो में क्या होता है कि आपको कॉपीराइट भेजेगा ही, ऑटोमेटिक जो है ये पकड़ में आ जाता है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखें कि आप यहाँ पे सबमिट डिस्प्यूट हम करते तो यहाँ पे, लेकिन ये ऑप्शन नहीं खुल रहा है। देखिए अब आपको जब सबमिट डिस्प्यूट करेंगे तो आपका जो ये वीडियो है वहाँ से आपका लिंक ऊपर से हटा दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये कॉपीराइट हमें भेज दिया है यहाँ पे, और सबमिट डिस्प्यूट का भी ऑप्शन हमें नहीं मिल रहा है, नहीं तो हम इसी वीडियो में आपको सबमिट डिस्प्यूट कैसे करना वो भी मैं आपको बताता। तो देखिए इस तरह से आप जो है
या फिर लेटेस्ट कंटेंट लेते हैं जो इस पर ज़्यादातर कॉपीराइट भेजता है। देखिए यहाँ पे हमारा यहाँ पे भी दिख रहा है, लेकिन इसके ऊपर में इन्होंने जो है लिंक लगा दिया है, लिंक लगा दिया है तो अब ये जो वीडियो है विजिबल नहीं होगा। ये लेटेस्ट कंटेंट था, लेटेस्ट वीडियो था, और ये ऑटोमेटिक जो है ये फेसबुक का जो राइट्स मैनेजर है उससे ये कॉपीराइट आया है। यहाँ पे देखें कि ये हमें सबमिट डिस्प्यूट का भी ऑप्शन नहीं दे रहा है, लेकिन इसे हमें सबमिट डिस्प्यूट का ऑप्शन देना चाहिए था, लेकिन ये सबमिट डिस्प्यूट का ऑप्शन नहीं दे रहा है। और इसके साइड में हमने वीडियो को भी लगाया था ताकि हमें कॉपीराइट का मसला ना रहे। हमें जो देखे यहाँ पे ये इन्होंने कॉपीराइट का मसला भेज दिया। तो देखे यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में, वैसे मैं कई सारे वीडियो में बता चुका हूँ, यहाँ पे जिस जब इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कॉपीराइट सबमिट डिस्प्यूट कर देना है, ओरिजिनल कंटेंट करना है आपको, और उसमें लिखना है कि दिस इज माय ओन कंटेंट, आई एम द राइट ओनर ऑफ दिस कंटेंट। आप करेंगे और नीचे में एक टिक जैसा रहता है, टिक करेंगे नीचे में यहाँ पे, और इसके बाद सबमिट जैसे ही करेंगे तो बस आपका जो है एक मिनट के अंदर में ही उस वीडियो के ऊपर से लिंक हट जाएगा। अगर आप मेरे चैनल में पुराने वीडियो को देखेंगे जो मैंने एडिटिंग करके अपलोड करके आपको दिखाया था कैसे सबमिट डिस्प्यूट किया जाता है, हो सकता है अगला वीडियो में मैं आपको सबमिट डिस्प्यूट पे वीडियो ला के दूंगा। तो जैसे ही लिंक हटेगा उसके बाद आपको शेयरिंग देना है। देखें कि इस पेज पे तो LOC तो आएगा ही क्योंकि आपने ऐसा काम किया है, तो बाद में आप जब आपका वॉच टाइम कम्प्लीट हो जाता है तो आप आराम से जो है अपने इस पेज का LOC को रिमूव कर सकते हैं गेमिंग करके। तो देखिए इसी तरह से आप आराम से आसानी से 40-50 ग्रुप में, जिसपे देखें कि अब मैंने जो तरीका यहाँ पे बताया इस पे मान लीजिए कि कॉपीराइट आ गया, इस पे ज़्यादा कंपटीशन है इसलिए यहाँ पे इस पे कॉपीराइट आया, और भी यहाँ पे रियलिटी शो है जिसपे आपको कॉपीराइट देखने को नहीं मिलेंगे, कम से कम कंपटीशन वाले रियलिटी शो आप उठाएंगे जैसे CID वगैरह होता है उसे भी आप उठा सकते हैं, डांस इंडिया डांस होता है उसे भी आप उठा सकते हैं। बस आपको जो मैंने तरीका इस वीडियो में बताया कि 4 मिनट आपको लाइव करना है, उसके बाद आप जो है उसे शेयरिंग देंगे, 40% कम से कम लोग जो है इस वीडियो को देखना चाहिए, 40% जब देखता है आपके लाइव वीडियो हो या फिर आपके जो भी वीडियो हो 40% अगर आप देख लेता है कोई भी बंदा तो आराम से आपका वो वीडियो वायरल हो जाता है। देखिए कि आप इस ये तरीका आप लाइव वीडियो में, अगर मैं आपको लाइव वीडियो में क्यों कहा कि लाइव वीडियो देखें कि लाइव वीडियो ज़्यादातर वायरल होते हैं, लाइव वीडियो में सभी को नोटिफिकेशन जाता है, तुरंत नोटिफिकेशन गिरता है, और आप उस पेज पर एक्टिव नहीं भी होते हैं तो भी नोटिफिकेशन गिर जाता है लाइव वीडियो से। तो देखिए फ्रेंड्स ये वीडियो में मैं आपको सबमिट डिस्प्यूट करके नहीं बता सका क्योंकि यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये ओनली यू कैन सी दिस यहाँ पे तो आता है योर वीडियो इज ब्लॉक्ड एंड कांट बी व्यू एनीवेयर एक्सेप्ट इन 30 लोकेशन। यहाँ पे इन्होंने तो हमें ये बताया है कि 13 लोकेशन में जो है ये ब्लॉक कर दी गई है, लेकिन ये जो है क्यों ब्लॉक कर दी गई है, कहाँ का ब्लॉक कर दी गई, जब हम यहाँ पे क्लिक करते थे आपने भी देखा होगा कि आपने जब यहाँ पे क्लिक किया होगा तो यहाँ पे ये ऑप्शन खुल के आता था, लेकिन अभी ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिए जैसे ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग यहाँ पे ये हमें बता रहा है। यहीं से आपको सबमिट डिस्प्यूट देना था, और जो मैंने आपको 3 ID वाला मेथड जो मैंने आपको बताया कि आप जो है 3 ID से वर्क करें, तो देखिए अभी मेरा मान लीजिए कि इस ID से मैंने जो अपलोड किया तो इस ID में मैं क्या करता कि इस ID जो ये मेरा कोई ऐसा ID रहता, फेक ID रहता जिसका मैं उतना ज़्यादा यूज नहीं करता, तो इस ID से मैं इसको अगर सबमिट डिस्प्यूट दूंगा तो मेरे को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इस ID पे फर्क पड़ेगा। सबमिट डिस्प्यूट कर देंगे तो इसके वीडियो के ऊपर से लिंक हट जाएगा, अब जो ये ID भी सेफ है मेरा, ये भी ID सेफ है, दोनों ID हमारा सेफ है, एक तीसरी ID से हम सबमिट डिस्प्यूट करते उसके बाद हम शेयरिंग देते। तो इसी तरह से काम होता है, मूवीज क्लिप्स हो या फिर जो भी हो कॉपीराइट कंटेंट हो, कपिल शर्मा शो हो, जो भी हो, सभी पे इसी तरह से वर्किंग होता है। तो देखें फ्रेंड्स इस वीडियो को आपने अभी तक देखा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में हो सकता है कि मैं इस जो सबमिट डिस्प्यूट पर इसी का वीडियो को मैं एडिट करूंगा, और मैंने ऑलरेडी एडिट कर लिया है और एडिट करने के बाद उसको मैं अपलोड करके दिखाऊंगा। अगर आता है तो मैं सबमिट डिस्प्यूट आज तो मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आज अगर करते हैं तो ये प्रॉब्लम हमें जो दे रहा है ये समथिंग वेंट रॉन्ग वाला ये आज जरूर देगा ये, तो हम आपको जो है सबमिट डिस्प्यूट कैसे करना है कल के वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, मिलते हैं पावरफुल एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।